पानी की चिंता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो महत्वाकांक्षी योजना थी झारखंड की स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी को गंगा नदी जोड़ो अभियान से जोड़ना था। NIT की टीम को पटना को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी रिपोर्ट, क्या स्थिति है उसकी और कब ये शुरू हो पाएगा झारखंड में? आप विषय से झटक रहे हैं, लेकिन आप छोटा सा सेमिनार कह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा, मैं सबसे पहले आपकी इस बात को मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये सेमिनार छोटा कोई नहीं होता है, उद्देश्य काफ़ी बड़े लेकर ये सेमिनार हो रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस सेमिनार का दूरगामी प्रभाव हमारे इस राज्य पर, जो सेमिनार का सब्जेक्ट है वाटर सिक्योरिटी, तो बहुत ही सकारात्मक इसका प्रभाव होगा और पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। और जहाँ तक योजनाओं की बात है, तो सारी योजनाओं पर, आपने जिस योजना की बात की, सारी योजनाओं पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और आप देख रहे होंगे, अभी मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे राज्य में लागू हो रही हैं कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन करें, कैसे हम वाटर सिक्योरिटी पर काम करें, वाटर प्योरिटी पर काम करें। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की झारखंड शाखा को और पूरे देश के ब्रांचेस को, कि सभी लोगों ने मिलकर इसको हेड कर रहे हैं, झारखंड की शाखा, लेकिन सभी देश के सभी शाखाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। देश के सभी राज्यों से अनुभवी अभियंतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे सेवा में, बहुत सारे सेवानिवृत्त हो गए, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य है और हमारा जो भविष्य का की जो सोच है, उसका उस पर इस सेमिनार का बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। और हमारे राज्य कुंभ में तो ऐसे ऐसे काम हो भी रहे हैं ताकि हम जल संरक्षण की दिशा में बहुत आगे बढ़ सकें और शुद्ध पेयजल हमारे राज्य की एक एक जनता को उपलब्ध हो सके, इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो अन्य राज्यों से भिन्न है, क्या आप दूसरे का इस लिहाज से रिपोर्ट बने? बहुत सारी योजनाएं आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जिससे वाटर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा। और छोटी छोटी योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, मनरेगा के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे ट्रेंच कम बंड बनाकर और बहुत तरह की योजनाओं के माध्यम से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हर तरह से हम वाटर कंजर्वेशन पर हम काम कर रहे हैं और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से मिलेगा। जिस तरह से आज जो स्थिति है, आज जिस तरह से हमारा ग्राउंड वाटर जो बहुत काफ़ी नीचे चला जा रहा है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और केंद्र की सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है और इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। पिछली सरकार में डोभा बना था, क्या लगा कि वो पैसों की बर्बादी थी कि राज्य को कुछ? अब देखिए, किसी चीज़ को, कोई भी योजना लागू की जाती है तो जनहित को देखकर ही लागू की जाती है, किसी योजना पर टिका टिप्पणी करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि जो आज इसका सिटी हो रही है पानी की, उससे हम तो मुक्त हों ही, आने वाली पीढ़ियों को भी कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।